वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, दार शुक्ला की ट्रिपल बी थ्री तो आप सभी लोगों ने देख ली, बिल्कुल देख ली, दिलों को भी खूब भाई और आंखों को भी खूब। जी हाँ, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ट्रिपल बी थ्री में इतने ज़्यादा सभी लोगों को कन्विंसिंग लगे और इतना अच्छा सिद्धार्थ शुक्ला का अभिनय था कि लगा ही नहीं कि OTT प्लेटफॉर्म पर सिद्धार्थ शुक्ला डेब्यू कर रहे हैं, पहली बार उतर रहे हैं। सभी लोगों को इतनी अच्छी लगी सिद्धार्थ शुक्ला की एक्टिंग। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि रेटिंग क्या है। जी हाँ, आप सभी लोगों का ये पूछना है और कहना है कि ट्रिपल बी थ्री की एक्चुअल रेटिंग क्या है, तो आपको बताते हैं कि ट्रिपल बी थ्री की रेटिंग क्या है, आप लोगों ने कितना प्यार दिया है। क्योंकि रेटिंग ही वो चीज़ होती है जिसके थ्रू ये 2020 है और लोग पहले रेटिंग देखते हैं, बाद में मूवी या वेब सीरीज, क्योंकि कोई भी अपना टाइम उन चीज़ों पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जो अच्छी ना हो। तो पहले लोग रेटिंग देखते हैं और बाद में कुछ और देखते हैं, उस शो को देखते हैं। तो इसीलिए रेटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और बहुत ज़्यादा मायने भी रखती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या रही ट्रिपल बी थ्री की रेटिंग। तो यहाँ जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया है कि IMDb की जो रिपोर्ट है वही हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी की रेटिंग मायने रखती है। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे IMDb पर रेटिंग दे सकते हैं, क्योंकि यही रेटिंग काउंट होती है और रेटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। एपिसोड 1 की 9.6, एपिसोड 2 के लिए 9.4, 3 के लिए 9.5, एपिसोड 4 के लिए 9.4, एपिसोड 6 को मिले हैं 9.5, एपिसोड 7 को मिले 9.7, एपिसोड 8 को 9.7, 9 को 9.5 और एपिसोड 10 को 9.7। ओवरऑल रेटिंग है 9.6 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग होती है। 9.6 इज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग हो गई। आगे आप अगर IMDb पर रेटिंग देना चाहते हैं और सिद्धार्थ शुक्ला की वेब सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे आप दे सकते हैं रेटिंग।